नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, जिसका आप सभी को काफ़ी लंबे समय से इंतजार था दोस्तों, वो बड़ी यहां पर खुशखबरी आप सभी के सामने लेकर आ चुके हैं, जिससे दोस्तों आप खुशी से उछल पड़ेंगे। आप सभी दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं, वीडियो भर्ती परीक्षा के दोबारा रिजल्ट को लेकर यहाँ पर हाईकोर्ट से बड़ी राहत है। सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर मिली है, किन कैटेगरी को यहाँ पर बड़ी राहत मिली है और किन छात्रों का सिलेक्शन होगा वीडियो रिजल्ट के दोबारा जारी होने पर, ये आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करें, ताकि आपको वीडियो भर्ती परीक्षा और राजस्थान की जो भी नई नई वैकेंसी निकलती है उसकी जानकारी सबसे पहले मिले। तो आज की वीडियो हम शुरू कर देते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए बिना। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप सभी को दोस्तों पता ही होगा, आप सभी के जो टीएसपी और जो एससी एसटी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी है उनके साथ काफ़ी बड़ा यहाँ पर भेदभाव हुआ। आप सभी को दोस्तों पता ही होगा, एससी एसटी वालों के भी काफ़ी कम अभ्यर्थियों को यहाँ पर सिलेक्शन मिला और लगभग आप सभी को पता ही होगा टीएसपी के लगभग यहाँ पर 8 गुना विद्यार्थी ही यहाँ पर पास किए गए थे और नॉन टीएसपी के लगभग यहाँ पर 37 गुना यहाँ पर विद्यार्थी है पास हुए थे। इसी के चलते आप सभी को पता ही होगा, सभी जो अभ्यर्थी है वो लगातार यहाँ पर वीडियो भर्ती के दोबारा रिजल्ट की यहाँ पर मांग करें, ताकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ यहाँ पर भेदभाव ना हो। तो आप सभी को दोस्तों पता ही होगा, सभी अभ्यर्थियों ने मिलकर यहाँ पर एससी एसटी वाले और जो टीएसपी के जो अभ्यर्थी है सभी ने मिलकर दोस्तों यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर पत्र लिखा था कि जो वीडियो का जो परीक्षा परिणाम है वो यहाँ पर दोबारा जारी हो। लेकिन आप सभी को पता ही होगा, इस मामले में उन्होंने कोई भी रिप्लाई है वो नहीं दिया था। तो आप सभी को दोस्तों बता दें, आप सभी के सामने जो बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी, सभी अभ्यर्थियों ने मिलकर दोस्तों आज यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे, ग्राम विकास अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी। आप सभी को पता ही होगा, सभी अभ्यर्थियों ने मिलकर यहाँ पर हाईकोर्ट में रिट लगा दी है, यानी आप सभी की जो मामले में जो अगली सुनवाई हाईकोर्ट में वो 4 मई को होने वाली है। यानी सभी अभ्यर्थियों ने मिलकर यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई भी रिप्लाई ना आने पर सभी ने मिलकर यहाँ पर हाईकोर्ट में गुहार लगाई है और सभी ने हाईकोर्ट में यहाँ पर अपील कर दी। और आप सभी को बता दें, इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो 4 मई को यहाँ पर होने वाली है और आप सभी को पता ही होगा जो फैसला है वो आप सभी के पक्ष में आएगा, क्योंकि आप सभी बताइए होगा काफ़ी अभ्यर्थियों के सिलेक्शन को यहाँ पर रोका गया और काफ़ी अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव हुआ है। इसलिए आप सभी को बता दें, जो हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा वो आप सभी के पक्ष में ही आएगा और लगभग आप सभी को बता दें, जिन अभ्यर्थियों का 50% कट ऑफ पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था वो कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर कम कर दी जाएगी और लगभग आप सभी को बता दें 40% यहाँ पर कट ऑफ पर सभी अभ्यर्थियों को सिलेक्शन मिलेगा। और जिन भी एससी एसटी और टीएसपी अभ्यर्थियों के साथ धोखा हुआ है उन सभी को बता दें, उनका जो दोबारा से यहाँ पर वीडियो भर्ती का रिजल्ट है वो जारी होगा। लगभग टीएसपी के भी लगभग दोस्तों यहाँ मानकर चले 15 से लेकर 20 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर और सिलेक्शन हो सकते हैं और लगभग आप सभी यहाँ पर समझ सकते हैं, लगभग 50,000 जो अभ्यर्थी है वे और यहाँ पर वीडियो भर्ती में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, ये ऐसी बड़ी अपडेट आप सभी के सामने लेकर आए थे, उम्मीद आप सभी को वीडियो पसंद आई है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करें, ताकि 4 मई को क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आती है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही साथियों।